गैर मजहबों की किताबें निसाब का हिस्सा बन चुकी हैं, बास कंपलसरी हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर कर दूं फॉर ओवरसीज, क्योंकि बास ममालिक वो हैं जिनमें अगर बच्चों को तालीम ना दी जाए तो ये बच्चा ले जाते हैं माँ बाप से और इनके खिलाफ केस होता है। यानी यूँ समझे कि कानूनी तौर पर, जैसे कि वो मोटर गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी है ना, इस तरह कानूनी तौर पर बच्चे को तालीम देनी जरूरी, कानूनी तौर पर बेचारे, ठीक है। लेकिन अब मैं इनकी कंफ्यूजन दूर कर दूं, जो शायद सबको ना पता हो, हमारे कई जिम्मेदार जानते हैं इस्लाम भाई, कि वहां तालीम जरूरी है, स्कूलिंग जरूरी नहीं है। इसके लिए मतलब कोई जितना कम से कम अपने बच्चों को आप फितनों से और इन तमाम तर बुराइयों से बचाकर चला सकते चलाइए, इसको मजबूरी का नाम मत दीजिए। लेकिन बाबा सीधी सी बात यह है कि इस दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की है ना, वो दारुल मदीना है। यानी यूं समझिए कि माँ बाप ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं, यानी ये समझिए कि ये अब इन्होंने हथियार डाल दिए कि भाई ठीक है दारुल मदीना नहीं है तो ये सही। लेकिन दारुल मदीना का इंतजार शायद हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज का इंतजार है वो दारुल मदीना है कि आ जाए और हम अपने बच्चों को उठाकर डाल दें। लेकिन अब मैं आपको बाबा एक सवाल निशान सवाल खड़ा करता हूं कि मेरा मदनी मशवरा हुआ था ठीक ठाक बड़े लोगों के उन्होंने बिठाया था, वो दारुल मदीना दारुल मदीना है कि आप दारुल मदीना इसलिए कह रहे हैं कि आपका बच्चा गलत जगह पर पढ़ने ना जाए। तो आप अगर हम दारुल मदीना खोलेंगे तो आपका ये जज्बा है कि वहां से बच्चा उठाकर हमारे पास डाल देंगे। जी ठीक है, दारुल मदीना जब खुलेगा तब खुलेगा। इस वक्त घर के अंदर टीवी के सामने जो आपका बच्चा बैठा हुआ है, आप टीवी का चैनल नहीं बदल कर सकते हो तो दारुल मदीना खुलेगा तो स्कूल कैसे बदली करोगे आप? ये तो आपके हाथ में है ना जी। हाँ भाई, चैनल बदलने की ताकत नहीं है आपकी कि यह चैनल गलत है, वो तालीमी इदारा गलत है। आप कहते हो कि हम तालीमी इदारे से बच्चे को उठाकर आपके दारुल मदीना में डाल देंगे। जब दारुल मदीना खुलेगा तब खुलेगा, आप चैनल नहीं बदल सक रहे हो, दारुल मदीना स्कूल कैसे बदलोगे? ये मेरी मोटी अकल में अभी तक बात नहीं आ रही है। माशाल्लाह, अपनी औलाद को सिर्फ मदनी चैनल दिखाइए जी, गुनाह भरे चैनल मत दिखाइए। इसी तरह जो बद मजहब बद अकीदा के पास पढ़ाना भी शरान जायज नहीं है, ये भी आला हज़रत ने इसको भी हराम 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 3 मरतबा हराम लिखा। क्या आप बोले कुरान है ना, कुरान पढ़ना है भाई, वाकई कुरान ही पढ़ना है। लेकिन जिससे पढ़ रहे हैं वो अपना रंग उस पर जमाएगा ना, उस पर असर डालेगा ना, उस पर उसकी सोहबत का असर, सोहबत मौसरा, सोहबत असर रखती है। यही है।